देखिए दोस्तों, आज हम ब्रेड स्नैक्स की रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही क्रंची बनती है। जिसके लिए हमें चाहिए होगा ब्रेड स्लाइस और आलू की पिट्ठी। इस आलू की पिट्ठी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। आओ हम बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया है। अब हम एक ब्रेड स्लाइस को इसमें डिप करेंगे, फिर इसको हथेलियों पर रखकर दबाएंगे ताकि इसका सारा पानी निचड़ जाए। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह निचोड़ लिया है। अब हम इसमें आलू की पिट्ठी को रख देंगे। अब हम इसे बंद कर देंगे चारों तरफ से। और इसको अच्छी तरह से दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से बन जाएगा हमारा स्नैक्स। अब हम बाकी के स्नैक्स भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में मैंने तेल डालकर उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ब्रेड स्नैक्स को तलेंगे। क्योंकि हमारा तेल बहुत ज्यादा गर्म है इसलिए हम आंच को सिम कर देंगे। देखिए ब्रेड स्नैक्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। ये हमारे क्रंची ब्रेड स्नैक्स रेडी हैं। अब हम आपको इनका क्रंच दिखाते हैं। देखिए कितने क्रंची बने हैं। देखिए ये अंदर से भी कितने अच्छे पक चुके हैं।